लास्ट लेक्चर के अंदर आपने स्टेरिंग सिस्टम पढ़ा था, और उससे लास्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा था ट्रांसमिशन सिस्टम। व्हीकल की मूवमेंट के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम और स्टेरिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं व्हीकल को कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? उसका ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने कभी कोई ऑटोमोबाइल चलाया होगा, कोई व्हीकल चलाया है, तो आपको पता है कि उसके अंदर ब्रेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप, ये आपका चैप्टर है ब्रेकिंग सिस्टम, फोर्थ चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है, फंक्शन क्या है ब्रेकिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, सबसे पहले तो वो व्हीकल को उसकी डिजायर पोजीशन पर, सबसे पहले तो वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, टू कंट्रोल, ये आप फंक्शन लिख रहे हैं इसके, फंक्शन फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम क्यों अप्लाई किया जाता है, क्यों एक व्हीकल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेकिंग सिस्टम का? आप क्लच फ्री व्हीकल बना सकते हो जिसके अंदर क्लच ना यूज करो, आप गियर फ्री बना सकते हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है, आप जो है और बहुत सारे तरीके के ऑटोमोबाइल्स बना सकते हो। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल बना सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चले, लेकिन हर किसी के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करना ही पड़ता है। ब्रेकिंग सिस्टम साइकिल से लेके, जो फर्स्ट जो व्हीकल बना था उससे लेके आज तक के जो व्हीकल है, सबके अंदर है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द स्पीड, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जब से वर्क कर रहे हैं, जब से बन रहे हैं, तब से ये स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, तो इतनी स्पीड के ऊपर जब ट्रैक्शन इतनी जा, किसी भी चीज के अंदर जब इतनी स्पीड आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करना रिक्वायर्ड है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज होती है अपने पास? सिर्फ एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो अगर बाय चांस कोई भी ऐसी स्पीड कंट्रोल करने की सिचुएशन आती है, तो आप ऑटोमोबाइल के अंदर ब्रेक्स अप्लाई करते हो। दूसरा क्या है? इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए, इमरजेंसी के अंदर इसको रेस्ट के अंदर लेके जाने के लिए। ठीक है, उसको रेस्ट तक पहुंचाना, मतलब कि व्हीकल टू रिंग इट टू द रेस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर आपको क्या करना पड़े, जल्दी से उसको रेस्ट के अंदर लेके आना पड़े, तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करते हो? आप ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हो उसका। और या फिर तीसरा क्या हो सकता है, उसको रेस्ट में रखने के लिए आप हैंड ब्रेक लगा के जाते हो व्हीकल के। ठीक है, तो जिस पोजीशन में आप उसको रखना चाहते हो, वहां पे आप उसको हैंड ब्रेक लगा के वहीं पे रोक देते हो, चाहे तो वो इंक्लाइन सरफेस हो, ठीक है, चाहे स्टडी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, आप क्या करते हो, आप उसके हैंड ब्रेक खींचते हो और वहीं पे छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, तो कीप इट टू द डिजायर्ड पोजीशन। जिस भी पोजीशन के अंदर आप उसको रखना चाहते हो, उस पोजीशन के अंदर उसको आप वहां पे लॉक लगा के, आप उसको हैंड ब्रेक लगा के छोड़ जाते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम के कारण ही क्या है, व्हीकल को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको यहाँ पे रोकना चाहो, चाहे वो इंक्लाइन सरफेस हो, टेपर सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, वहां पे आप उसको रोक के व्हीकल को आप हैंड ब्रेक खींच के चले जाते हो। इट मीन्स क्या है, वो ब्रेकिंग सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है, अब जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपके पास जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर पावर जो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। कम स्पीड हो तो आप उसके लिए मैकेनिकल ब्रेक्स यूज करते हो, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड हो तो आप उसके लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हो, बहुत ज्यादा हैवी लोड हो जैसे कि ट्रक्स हो गए, ठीक है, बसेस होगी,
तो आप न्यूमेटिक ब्रेक्स यूज करते हो, ठीक है, जिसके अंदर एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक आते हैं, ठीक है। तो आप पहले एयर ब्रेक्स यूज करते हो और लास्ट में जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, वैक्यूम ब्रेक्स का, ठीक है। तो वैक्यूम ब्रेक्स भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ये सारे जो ब्रेक्स हैं अलग अलग सिस्टम में इनके, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स तो अभी जैसे वर्किंग में आए ही हैं, अभी तक बने हैं, ठीक है। तो ये जो पुराने ब्रेक्स हैं इनके अंदर मैकेनिकल हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, ठीक है, ये सारे ब्रेक्स जो है ये वर्क करते हैं। अब आपको ये कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहला आता है मैकेनिकल ब्रेक के बारे में बात करते हैं। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम बोल सकते हो इसको, ठीक है, या मैकेनिकल ब्रेक्स बोल सकते हो सीधा, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेक लिख देता हूं, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम की जगह पे मैकेनिकल ब्रेक। तो ये कैसे वर्क करता है, अगर आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है जिसके अंदर पावर जो है, अब एक लेदर होता है, एक ब्रेकिंग ड्रम होता है एक व्हील के अंदर, ठीक है। उस ड्रम के अंदर आपने क्या करना होता है, लाइक ये वाला जो है वो ड्रम है, ठीक है। इस ड्रम, ये व्हील के अंदर घूमता है, व्हील के अंदर वाली साइड होता है ये ड्रम, मतलब कि व्हील के अंदर वाली साइड है ये, ठीक है। कई तो डिस्क ब्रेक यूज करते हैं आप, ठीक है। अपन दूसरे जो है सिंपल ब्रेक्स जिसके अंदर क्या है, एक ब्रेकिंग ड्रम हो। अब यहां पे एक ब्रेकिंग ड्रम है, उस ड्रम के अंदर आपने क्या करना है, अभी फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। ये ड्रम जो है व्हील के साथ घूमता है, व्हील का अंदर वाली साइड है ये ड्रम, और यहां पे होते हैं ब्रेक शू। कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है ब्रेक शूज की कि ये क्या करते हैं, ये ब्रेकिंग ड्रम के अंदर पूरे फिट हो जाते हैं, और अगर इनको क्या करना पड़े, थोड़ी सी भी फोर्स लगाएं आपका, तो ये आउटवर्ड की ओर मूव करते हैं और ड्रम को रोक लेते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे होती है कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल इसके साथ साथ। ये सरफेस जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही अच्छा वर्क करेगा। और यहां पे होती है पिवटिंग की, यहां से ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं विद, ये जो अब सेंटर वाला हिस्सा है ये है ब्रेक, ये तो बाहर वाला तो ब्रेक ड्रम है, ठीक है। अंदर वाले जो है वो है इसके जो लाइनिंग है जिसके ऊपर ब्रेक शूज है, जो उनके ऊपर लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। तो ये है ब्रेक शूज, ब्रेक शूज, ठीक है। तो जो ब्रेक शूज हैं आप, ये वाले ब्रेक शूज बोलते हैं इनको, इनकी मूवमेंट कुछ ऐसी होती है, नीचे से तो ये पिवटेड होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होता है इनका, यहाँ से ये मूव, सिर्फ यहाँ पे मूव कर सकते हैं, इधर से ये फिक्स रहते हैं, मतलब कि अपनी लोकेशन के ऊपर तो फिक्स रहेगा लेकिन ऐसे मूव कर सकता है, ये पिवट है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हिंज है, यहाँ से मूव कर सकता है, ठीक है। मतलब कि इधर से अगर इसको दूर किया जाए तो ये यहाँ से सेम पोजीशन पर रहेगा लेकिन इधर से बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये जो शू है ये अपनी पोजीशन पर रहते हैं हमेशा, लेकिन जो ड्रम है वो रोटेट करता रहता है, ये जो ब्रेक ड्रम है बाहर वाला हिस्सा है ये हमेशा रोटेट करता रहेगा व्हील के साथ, ठीक है। ये व्हील के साथ इसकी मूवमेंट होती है, ये व्हील के साथ मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेक ड्रम है इसने जब मूव किया तो उसको रोकने के लिए अपने पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उस ड्रम के अंदर क्या है, रुका हुआ है, जैसे कि ये ब्रेक शूज। अब इन ब्रेक शूज के बाहर वाली साइड होती है लाइनिंग, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग लाइनिंग, जो कि इसको क्या करती है, थोड़ा सा और ज्यादा फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है। यहाँ पे होती है ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। या कुछ ऐसा मटेरियल लगा रहता है जिससे क्या हो कि ये जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, यहाँ पे इस ब्रेक शूज के बाहर वाली साइड लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ब्रेक शूज है जिनके बाहर वाली साइड लाइनिंग है, ठीक है, और जिससे क्या हो, अगर वो बाहर वाली साइड जाएंगे तो वो ड्रम के साथ अटैच होकर उसको रोक लेंगे।
अब अपने पास क्या चाहिए, अपने को सिस्टम चाहिए कि इसको बाहर के और कैसे धकेला जा सकता है, कैसे फोर्स किया जा सकता है आउटवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं इसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कैविटी, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम आप बना सकते हैं जिससे इसको दूर किया जा सकता है एक दूसरे से। यहां पे अगर मैं एक कैम कंस्ट्रक्ट कर दूं, ठीक है, इस कैम को अगर मैं रोटेट करवाऊं किसी चीज से, ठीक है, अगर ये कैम को मैं रोटेट करवा दूं तो क्या होगा, ये कैम जो है दोनों को एक दूसरे से दूर धकेल देगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों जो ब्रेक शूज हैं वो बाहर की ओर जाएंगे और ड्रम के साथ अटैच हो जाएंगे। ये सब ब्रेक शूज जो है वो फिक्स्ड थे एक ही जगह पे थे और जो ड्रम था वो बहुत तेजी से घूम रहा था, जिसके कारण जब इनको दूर दूर धकेला तो इन्होंने क्या किया, जाके ड्रम के अंदर फ्रिक्शन पैदा कर दिया और उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये है नॉर्मल सिस्टम जिसके अंदर आप ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, कैम शाफ्ट का यूज किया और उस कैम शाफ्ट को आप रोटेट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल लिंकेज, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे मैकेनिकल ब्रेक्स, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक्स कौन से होते हैं, जब ये कैम आपने यहाँ पे अप्लाई की है, अब आपके पास सिस्टम यही है, आपको क्या करना है, ब्रेकिंग ड्रम जो है, ठीक है, इस ड्रम को आपने रोकना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक शूज। ब्रेक शूज भी वही है आपके पास, ब्रेकिंग ड्रम जो है वो भी यही है, ठीक है। तो ड्रम को आपने, ब्रेक ड्रम को आपने रोकना है, ड्रम इसको आपने रोकना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक शूज। अब कैसे अलग अलग तरीके के आप वो बना सकते हैं इसे ब्रेकिंग सिस्टम के, ये जो इनको दूर करने का फॉर्मूला है, इनको आपस में एक दूसरे से हटाने का तरीका है, वो कौन सा है। अगर आपके पास मैकेनिकल है तो इसको आप मैकेनिकल ब्रेक बोलेंगे, अगर हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक ब्रेक बोलेंगे, एयर का सिस्टम है कुछ तो एयर ब्रेक बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक की बात करते हैं। अगर जो ये जो इन ब्रेक शूज तक जो कैम तक फोर्स अप्लाई करने का फॉर्मूला है वो मैकेनिकल हो, ठीक है, व्हेन एफर्ट्स अप्लाइड ऑन ब्रेक पैडल, ब्रेक पैडल के ऊपर जो एफर्ट अप्लाई किए गए हैं is transmitted, वो transmit किए जाए to brake shoe, brake shoe तक वो transmit किए जाए with the help of जा किसी wheel brakes तक वो apply किए जाए, ठीक है। brake shoe ये वाले हो गए, ब्रेक शूज तक चाहे चाहे व्हील ब्रेक बोल दो, ठीक है। बाय मैकेनिकल लिंकेजेस, बाय मैकेनिकल लिंकेजेस इट इज नोन एज मैकेनिकल ब्रेक्स। ठीक है, इनको मैकेनिकल ब्रेक्स बोलते हैं। अब आपको इसके बारे में लिखने का जो है वो सारा तो आप खुद करें, आपको समझने की जरूरत है कि कैसे वर्क करता है। अब आपके पास अगर आप सोचो कि आप इसको हाथ से भी कर सकते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसको बहुत थोड़ी ही मूवमेंट करनी होती है, लेकिन आप ब्रेक पैडल को कितना दबा देते हो, तो उसका क्या सिस्टम होता है कि अभी आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको मैकेनिकल एडवांटेज आपने पढ़ा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, तो इससे मैकेनिकल एडवांटेज ली जा सकती है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज वो कैसे मिलती है, अपने को बहुत सारे लीवर यूज किए जाते हैं इसके अंदर, जो मैकेनिकल ब्रेक है उसके अंदर जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो विद जो है ट्रांसमिट करते हो यहां तक, उसके लिए आप बहुत सारे लिंकेजेस यूज करते हो, जिसके कारण क्या है मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलती है। द फोर्स between brake pedal and brake shoe is multiplied
by different levers एंड लीवर, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें और अपा अटैच कर देते हैं, लीवर एंड लिंकेजेस, लीवर्स लिंकेजेस एंड कैन, ठीक है। लीवर अपा अप्लाई करते हैं उसके अंदर, जैसे कि आपको पता है कि फोर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लीवरेज आप कहीं पे सिस्टम बनाए, यहाँ पे आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और इस जगह पे आपको ज्यादा फोर्स मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कम दूरी के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको दूरी जो है वो बढ़ गई जिस आपको मूवमेंट करनी है, और यहाँ पे कम दूरी पर उठेगी लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी चीज होगी जिसको आप उठा सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये होता है लीवरेज सिस्टम। तो आप इससे आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो फोर्स को। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैकेनिकल ब्रेक्स क्या होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स वर्क कैसे करते हैं, ब्रेक पैडल से लेके बहुत सारे लिंक जो है वो क्या करते हैं, कैम को रोटेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसकी। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ब्रेक ड्रम है उसके अंदर ब्रेक शूज होते हैं विद द आउटसाइड लाइनिंग, फ्रिक्शन लाइनिंग होती है उसके चारों तरफ जो ब्रेक शूज है, और यहाँ पे क्या होता है एक कैम जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है दोनों के बीच में। ब्रेक शूज एक तरफ से तो पिवटेड होते हैं, एक तरफ से तो फिक्स जैसे होते हैं, मतलब कि सिर्फ मूव कर सकते हैं दूसरी तरफ से, यहां से हिल नहीं सकते अपनी लोकेशन से। तो कैम जो है उसका काम क्या है, जब वो रोटेट होगी तो वो दोनों ब्रेक शूज को एक दूसरे से दूर फोर्स करेगी, आउटवर्ड फोर्स करेगी, जिसके कारण क्या है वो जो लाइनिंग है वो जाके ब्रेक ड्रम के अंदर घिसेगी और वो ब्रेक ड्रम को रोक देगी, ठीक है। ब्रेक ड्रम जो है व्हील का ड्रम है जिसके जिसके साथ व्हील घूम रहा है पूरा, ठीक है, व्हील के अंदर वाली साइड होती है ब्रेक ड्रम, ठीक है। तो ये क्या है, उससे क्या होगा, ये व्हीकल जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये है सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिकल ब्रेक्स। ऐसा ही डिस्क ब्रेक के अंदर भी होता है, डिस्क ब्रेक के अंदर भी दोनों सिस्टम है, मैकेनिकल वाला भी है जिसके अंदर वायर यूज करते हैं। तो वायर क्या करती है, डिस्क को दोनों साइड से जो है कंप्रेस कर देती है और वो डिस्क को रोक लेती है, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेक्स के बाद आप बात करते हैं, जैसे अपने मैकेनिकल ब्रेक्स के अंदर अब इसको बाहर जाने के लिए तो अपने फोर्स कर दिया, तो वापस लाने के लिए इसको यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक स्प्रिंग सिस्टम लगा रहता है जो कि लेदर्स को वापस खींचता है अंदर वाली साइड। बाहर तो आपने किससे कर दिया, ये कैमशाफ्ट ने उसको दूर धकेल दिया, लेकिन वापस लाने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो कि इसको खींच के रखेगा आपस में एक दूसरे की और वापस लेके आएगा, ठीक है। नहीं तो वो घिसते रहेंगे सारा दिन ड्रम के साथ और वो क्या हो जाएगा, लाइनिंग खराब हो जाएगी। तो उसको वापस लाने के लिए आप यहाँ पे स्प्रिंग यूज करते हैं। तो यही इसकी वर्किंग है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बस ये कैमशाफ्ट जैसे ही रोटेट करेगी, कैमशाफ्ट सेंट्रिक है, सर्कुलर नहीं है, तो जैसे ही कैमशाफ्ट रोटेट करेगी, पहले कुछ ऐसी थी कैमशाफ्ट, जैसे ही ऐसे हो जाएगी तो ये दूर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। जैसे ही दूर होएंगे तो जाके किसी जो ब्रेक ड्रम है उसके साथ फ्रिक्शन में आ जाएंगे और जिसके कारण ब्रेक ड्रम को वो रोक देंगे, ठीक है। ये है ब्रेकिंग सिस्टम, सिंपल मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जब आपने इसकी वर्किंग सारी सेम टू सेम लिखनी है, जब आपने ब्रेक पैडल को दबाया, ठीक है, जैसे ऐसे लिखना है, व्हेन ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड द फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द कैम विद थ्रो ए नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स के जरिए, वायर्स के जरिए, ठीक है, कोई वायर भी यूज की जा सकती है, कोई रॉड यूज की जा सकती है, बहुत सारे लिंक्स के जरिए वो क्या करते हैं, फोर्स को कहां तक लेके जाते हैं, कैम तक, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू द कैम। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैम क्या करती है, अब कैम जो होती है, कैम रोटेट एट एन एंगल ऑन इट्स एक्सिस एंड फोर्स द शूज
ब्रेक शूज आउटवर्ड, ब्रेक शूज को आउटवर्ड फोर्स कर देती है दोनों को, ठीक है। अब अगर ब्रेक शूज बाहर की ओर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ड्रम के साथ फ्रिक्शन में आ जाएंगे, तो वो क्या करता है वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब ये बाहर की ओर मूव हुए तो क्या हुआ, वहां पे जो ड्रम और उसके अंदर ब्रेक शूज के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन ब्रेक शू एंड ब्रेक ड्रम मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड या इंक्रीज ड्यू टू लाइनिंग, फ्रिक्शन लाइनिंग, ये जो है फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है। तो उसके कारण और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या है, ड्रम जो है वो रुक गया, ठीक है। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे, फिर आपने ये भी लिखना है कि जब आपने उसको रिलीज किया तो क्या हुआ, तो जो ब्रेक ड्रम ब्रेक शूज थे वो अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस चले आए, क्योंकि अब उनके पास स्प्रिंग फोर्स है उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करते हैं सिंपली मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें और कौन कौन से तरीके के, अब आपके पास यही ब्रेक ड्रम है, इसी को आपने जो है, यही आपके पास ब्रेक शू है, इसमें आपने मैकेनिकल फोर्स से उसको रोटेट करवाया। अब आपके पास जितने भी आएंगे ना, बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, बस इसको दूर करना है और जो लाइनिंग है उसको ड्रम के साथ अटैच करना है। लेकिन अब आपके पास तरीके अलग अलग होंगे कि कौन से तरीके से आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि अब मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो अलग कैसे है और क्या उसके अंदर खासियत है और कैसे वो ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसका ज्यादा यूज करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ हाइड्रोलिक फ्लूइड है, जो इस मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर वायर्स और रॉड्स काम कर रही थी, जो फोर्स है उसको कैमशाफ्ट तक पहुंचाने का काम कर रही थी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करेंगे, जिससे क्या है वही काम आप इसके जरिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये था मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम और आपने पढ़ा कि ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है। अब आपका जल्दी से बाकी सारे जो ब्रेकिंग सिस्टम है उनकी खासियत और उनको कैसे वर्क करते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।